विक्रांत मैसी स्टारर बारहवीं फेल कंगना रनौत की तेजस के साथ सिनेमाघरों में 27 अक्टूबर को रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्मों की पहले दिन ही बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ठंडी रही थी, लेकिन इसके बाद वीकेंड पर तेजस को मात देते हुए बारहवीं फेल ने ऊंची छलांग लगाई और अच्छा कलेक्शन कर लिया। वहीं अब फिल्म ने मंडे टेस्ट भी पास कर लिया है। चलिए आपको बताते हैं कि बारहवीं फेल ने रिलीज के चौथे दिन यानी कि सोमवार को कितनी कमाई की है। बारहवीं फेल विधु विनोद चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी फिल्म है। इसे व्यूअर्स से काफी प्यार मिल रहा है और बारहवीं फेल टिकट खिड़की पर कंगना रनौत की तेजस से बेहतर परफॉर्म कर रही है। हालांकि फिल्म की ओपनिंग धीमी रही थी, लेकिन उसके बाद इसकी कमाई ने रफ्तार पकड़ ली और अब ये तेजस से ज्यादा कलेक्शन कर रही है। फिल्म की कमाई की बात करें तो बारहवीं फेल ने पहले दिन 1,11,00,000 ही कमाए। इसके बाद दूसरे दिन 2,51,00,000 रुपए बटोरे और तीसरे दिन बारहवीं फेल ने 3,12,00,000 का कलेक्शन किया। वहीं अब बारहवीं फेल के रिलीज के चौथे दिन यानी कि मंडे की शुरुआती कमाई के आंकड़े भी आ चुके हैं। सिग्नल की अली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक बारहवीं फेल ने रिलीज के चौथे दिन 1,20,00,000 रुपए कमाए। इसके बाद बारहवीं फेल के चार दिन का कुल कलेक्शन 7,84,00,000 रुपए हो चुका है। विक्रांत मैसी की बारहवीं फेल बॉक्स ऑफिस पर कंगना रनौत की तेजस को लगातार पछाड़ रही है। जहां तेजस चार दिनों में ही लाखों में सिमट कर रह गई, तो वहीं बारहवीं फेल करोड़ों में कमाई कर रही है। इसी के साथ ही बारहवीं फेल ने चार दिनों में तेजस से ज्यादा कलेक्शन कर लिया है। जहाँ तेजस चार दिन में 5 करोड़ का आंकड़ा छू नहीं पाई, वहीं बारहवीं फेल ने 7 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है और उम्मीद ये की जा रही है कि विक्रांत की फिल्म आने वाले दिनों में और अच्छा कलेक्शन कर सकती है। आपको बता दें कि बारहवीं फेल में विक्रांत मैसी के अलावा हरीश खन्ना, प्रियांशु चटर्जी, संजय बिश्नोई और सुकुमार टूडू ने अहम रोल प्ले किया है और इसे काफी अच्छा अब रिस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। वैसे ये तो देखने वाली बात होगी कि इस वीक आखिरकार कौन सी मूवी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। ट्रेंडिंग बॉलीवुड अपडेट से बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।